नमस्कार प्रणाम भैया, हम रवि भारती यादव और आप देख रहे हैं एलेक्स म्यूजिक है। अभी कलुआ भी खूब उछल रहा है, इस साला चुतिया कलुआ कुतवा लाइव आके यादव जी के बेटी पर गाना गाता है स्टेज पर, साला तुमको शर्म नहीं लगता है? देखिए कुत्ता के लाइव वीडियो, और फिर अभी अभी खेसारी भैया लाइव आए हैं, लाइव में क्या क्या बोले हैं वो पूरा वीडियो देखिए, और इसके साथ क्या किया जाए आप लोग कमेंट में बोलिए, देखिए पूरा वीडियो। की अखियां के नींद चैन दिल के उड़ाबो है, अखियां के नींद चैन दिल के उड़ाबो है, यादव जी के बेटी सपनों में आती है। यादव जी की बेटी सपनों में आती है, कल्लू जी ने स्टेज पे गाया। ठीक है, वो हैं। देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री में मेरे मुझे छोड़ के कोई कुछ भी गंदा कितना भी गंदा कर दे कोई बोलने नहीं आता है, ये आप सबको भी पता है कि मैं अगर अच्छा भी करता हूँ तो उसको बुरा बनाने के लिए पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार बंधु लोग लग जाते हैं कि इसको कैसे बुरा कर दिया जाए, इसकी अच्छी चीज़ों को भी बुरा कर दिया जाए। बट ठीक है, मैं भी एक गाना गाया था, चाची के बाची सपनवा में आती है। तो मेरी जितनी भी हीरोइने हैं यहाँ पे, सबके माँ को हम अंटिये बोलते हैं भाई। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस गाने को गाया था कि जितनी भी हमारे हीरोइने हैं भाई, सबके माँ को तो हम अंटी ही बोलते हैं। कैसी हैं अंटी, और अंटी का मतलब चाची होता है। लेकिन आप सबको बुरा लगा तो मैंने गाना को प्राइवेट कर दिया। लेकिन किसी जाति विशेष पे, आप कोई भी कलाकार हो, किसी जाति विशेष पे हाँ आदमी गाता है कि जादव जी के दही तो बाबू साहब के ये तो दुनिया के ये, तो उसकी तारीफ में आदमी कुछ गाता है चलता है। लेकिन किसी के सम्मान घर की इज्जत को आप सर्वयाम मंच से बोल रहे हैं तो किसी कलाकार के लिए शोभा नहीं देता। उस जगह पे मुझे लगता है कि मैं होता तो भाई जी आप लोग समझ ही सकते हैं कि क्या होता, सारी कलाकार बंधु आकर और खेसारी को उखाड़ने के चक्कर में पड़ जाते कि नहीं खेसारी को उखाड़ के फेंक दो। अभी कोई नहीं आएगा मुझे पता है, क्योंकि यादव जी की बेटी सपनवा में आती है जिसने भी स्टेज पे गाया। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब मैं एक कलाकार हूँ, मैं अपने मुंह से तो कुछ नहीं बोल सकता। अब उसका इंसाफ यादव जी लो जरूर करेंगे भाई, मैं क्या बोलूँ, मैं बोलूँगा तो विवादित हो जाएगी चीज़ें, और शायद मेरा बोलना एक आर्टिस्ट हूँ ना मैं, आप कलाकार हूँ, एक गाने वाला आदमी हूँ मैं, और टारगेट करके मुझे ही गाया जाता है ये मैं मुझे पता है, ऑफिशियली मुझे ही टारगेट करके हर वो चीज़ें होती है। बट ठीक है, इनके टारगेट से मेरा कुछ बिगड़ता ही नहीं है, तो इनको जितना मुझे टारगेट करना है। मैं तो बंद कमरे में कुछ बोल देता हूँ तो उस पर भी विवाद हो जाता है, और लोग मंच से बोल जाते हैं तो विवाद नहीं हो पाता है। मैं तो और बंद कमरे में हर आदमी नंगा होता है, आदमी कुछ भी बोलता है अपने हंसी मस्ती में, 10 लोग बैठते हैं तो बातें चीत होती है, बंद कमरे में तो प्रधानमंत्री तक दुनिया गाली दे देती है। लेकिन यहाँ तो मंच से भी लोग गाली दे देते हैं पूरे समाज को, और उसको कुछ नहीं होता है क्योंकि वो खेसारी नहीं है ना। खेसारी अगर बंद कमरे में भी बोल दे तो उसके लिए पूरी कलाकार बंधु आकर सबकी अपनी प्रतिक्रिया, इतने शिक्षित हो जाते हैं ये कि लगता है कि ये विश्वविद्यालय से पढ़ के आए हैं, और मैं भैंस से डायरेक्ट आ गया बॉम्बे शहर में। हाँ, मैंने हम भैंसे पर से डायरेक्ट फ्लाइट पर आ गए नहीं, ये लोग बाकायदे रामायण महाभारत ग्रंथ सरल सलील पढ़ के ही लो आइल बह जी गया। इतने ज्ञानी पुरुष हो जाते हैं, इनका प्रवचन देखिए। एक भाई का मैंने लाइव देखा था, हम इतने भी सी नहीं है भाई कि वह भाई आके कह रहा है कि देखिए खेसारी जी की बेटी के बारे में आप कुछ बोलिएगा तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, अगर तुमको इतना ही चिंता मेरी बेटी के लिए है तो भाई तू उसको फ़ोन करके डांट देता ना, दुनिया को लाइव में बताने की क्या ज़रूरत है। तो मेरे शुभचिंतक हो, मैंने तुम बताना चाहते हो कि हाँ खेसारी जी हम बहुत अच्छे इंसान हैं, तुम्हारे जैसे सी लोगों को मैं रखता हूँ बाबू, ये दिमाग में रखो। और तुम जो बोल रहे हो और जो घर अंदर की बातों को आप उजागर चीज़ें हुई दुनिया ने कि हाँ भाई ये चीज़ वो चीज़,
एक और चीज बोलना नहीं चाहता, विवाद होगा। कोई आदमी फेसबुक पर एक दिन पहले डालता है कि अवतनी बनारस में तहर उपाय करें, और अगले दिन बोलता है कि हम मिलने गए हैं, कोई बात नहीं। तो इतनी भी दुनिया चूतिया नहीं है और इतनी भी दुनिया बेवकूफ़ नहीं है कि आप कुछ भी कह जाओगे और कुछ भी कर दोगे और दुनिया को नहीं पता चलेगा। चलेगा। आज मंच से किसी यादव जी की बेटी, यादव जी की बेटी सपनवा में आती है, किसी ने गाया, अब प्रतिक्रिया कहाँ गई आप सबकी? नहीं बोलेंगे ना आप, क्योंकि आप सबको तो खेसारी से मतलब है, आप लोगों को सिर्फ खेसारी से मतलब है, लेकिन हमें आप सबसे मतलब ही नहीं है, हमें अपने जनता से मतलब है, भगवान से मतलब है, मेरी भगवान मेरी जनता है। अब यादव जी खुद ही समझा देंगे आप सबको, जिनको लगता है कि यादव जी की बेटी सपनवा में आती है तो समझाएंगे ना आपको। अब आप जाइएगा, आपको तो घूमना है, कार्यक्रम तो करना है ना, तो कितने सपना आपके, इतने गहरे सपने हैं जो आपके सपने में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, और यादव जी की बेटी ही सपने में आती है आपकी। और मैं उन पंडित जी से बोलना चाहता हूँ कि आप मेरे घर परिवार का चिंता मत करिए, मेरी बेटी के बारे में कोई बोलता है तो आप लाइव आकर उसको समझाते हैं, फ़ोन करके समझा दिया करिए, उतना दिमाग मेरे पास है जितना आप दिमाग लगाते हैं, आपसे ज़्यादा दिमाग रखता हूँ, इसीलिए यहाँ हूँ। और आप लाइव में आकर बोलते हैं कि उनकी बेटी के बारे में किसी ने बोला तो मैंने उसको ये किया, मैंने वो किया, अब मैं दुनिया को जताना चाहते हैं कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया। कौन पूछने गया था आपसे ये बातें? कोई पूछने तो गया नहीं था, लेकिन आपने बोल दिया मेरी बेटी के बारे में गलत बोला, बट ठीक है, वो आपका पॉइंट व्यू है, लेकिन उसी समय मुझे समझ में आ गया। मैं उस समय जवाब आपका नहीं दिया कि नहीं देना ठीक नहीं है, समय आएगा तो दूंगा, बट आपके घर में भी बेटी पैदा होगी, ईश्वर करे कि आप भी शादीशुदा हैं, ईश्वर करे कि आपके घर में भी वो लक्ष्मी आए और उस लक्ष्मी का सम्मान है, और शायद जब लक्ष्मी आपके घर में आएगी तो आप सम्मान करना सीख जाएंगे, चाहे यादव की बेटी हो या किसी भी पर्टिकुलर जात की बेटी हो, हमें किसी को हक नहीं है कि हम मन से बोल दें कि ये सपना में आती है, इस जाति की बेटी सपना में आती है, या हम खुलेआम फेसबुक पे आके बोलें कि उनकी बेटी के बारे में ऐसे किसी ने बोला तो मैंने उसको डबाला कि भाई मेरे पास ऐसे शब्द मत इस्तेमाल करो। अरे बाप रे, हरिश्चंद्र के खानदान से सब आए हुए हैं यूनिवर्सिटी में, एक ही रावण आ गया है, हम ही एक रावण है भाई। अगर आपको लगता है कि आप सही हो मैं गलत हूँ तो मैं मान लेता हूँ यार कि मैं गलत हूँ, आप सही हो, फिर मैं जानता हूँ कि फिर आप लोग लाइव आके फाड़ोगे मुंह और ढेर फाड़ोगे और ज्ञान का पुतला बांटोगे। ये ज्ञान जो दुनिया को बांटते हो, कम से कम अपने अंदर भी इसको डाल लो यार, शायद डाल लोगे तो बहुत बेहतर होगी, तो डालो अपने अंदर भी। और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जब भरे मंच से कोई किसी जाति को, और खास करके मैंने कि यादव की बेटी सपनवा में आती है, भरी मंच से कोई किसी को गाली दे देता है, कोई कुछ भी बोल देता है, तो उसके लिए एक आदमी लाइव नहीं आता है, एक आदमी अपनी प्रतिक्रिया को नहीं देता है, तो मैं क्या मानूं? हाँ, तो मैं क्या मानूं कि साहब सारे लोग मिलकर मुझे इस धरती से उखाड़ना चाहते हो? मैं यही बताने भी आया हूँ, मैं तो आया था सर, माँ शारदे का आज पूजा है तो मैं बधाई देने, लेकिन किसी भाई ने कमेंट कर दिया और कल मैंने वो चीज़ें देखी तो मुझे भी बुरा लगा कि भैया किसी ने गाया है कि मंच से गाया है कि यादव जी की बेटी सपनवा में आती है, आपको बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहता था भाई, कि मैं बोलता हूँ तो कुछ ना कुछ गलत हो जाता है यार, क्योंकि मेरे बोलने पर पूरी भाव 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 कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देती है पूरी यहाँ की जो